पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैं सबसे पहले आभारी हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी का, जिन्होंने मुझे कांट विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का मौका दिया। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सरकार के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए 2012 से 17 तक विकास के काम किए हैं, जो नौजवानों के लिए रोजगार के काम किए हैं, जो लोगों के लिए स्वास्थ्य के काम किए हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए काम किए हैं और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली के लिए काम किया है, इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जनता हम लोगों को 2022 में मौका देगी। जैसा कि आप कांट विधानसभा पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर मौजूदा विधायक राजीव चौधरी, किससे अपनी फाइट मांगते हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल के अंदर जो एक अपना मैनिफेस्टो दिया था, जिसको कहा था ये संकल्प पत्र है, और ये संकल्प पत्र नहीं, हमारे लिए गीता और रामायण की तरह से है, और इतनी बड़ी सौगंध उठाकर उस संकल्प पत्र का एक भी लाइन पूरा करने का काम नहीं किया, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी तो जनता की निगाह से उसी दिन उतर गई जो संकल्प पत्र किए थे उन्होंने। नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि तानाशाही की एक सरकार चलाने का काम किया इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का मामला है, तो आप सब समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पिछले 5 साल से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए एक भी काम, अगर एक धरना प्रदर्शन, एक एजिटेशन, एक कोई काम किया हो, तो निश्चित तौर पर जनता उन लोगों पर विश्वास करेगी। समाजवादी पार्टी देश के अंदर क्या महंगाई का मुद्दा हो, देश के अंदर किसान आंदोलन का मुद्दा हो, या कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे के ऊपर समाजवादी पार्टी ने सदन से लेके और सड़क तक लड़ाई लड़ी है। तो हम लोगों को विश्वास है कि हम लोगों के मुकाबले में अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा, और आगे कोई आएगा तो देखेंगे। अच्छा, कांट विधानसभा एक किसान बाहुल्य सीट है, किसान आंदोलन भी काफ़ी 1.5-2 साल चर्चा में, क्या उसका कोई असर देखने को मिलता है? देखिए, हम तो यहाँ खुद ही किसान हैं, और निश्चित तौर पर जो किसानों ने, मैं सैल्यूट करता हूँ अपने किसान संगठनों को, जिन्होंने उस हठधर्मी सरकार को पीछे धकेलने का काम किया है। यकीनी तौर पर अगर वो 3 बिल लागू होते तो वो लोग आज यहाँ का देश का किसान अपनी ही ज़मीन पे, अपनी ही मालिक होते हुए मजदूर की स्थिति में होता। और जहाँ तक ये भी किसान जानता है कि ये पहली सरकार है जिसने 5 साल तक गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ाई, आखिरी साल में बढ़ाई, गन्ने का 14 दिन का पेमेंट था वो नहीं दिया, इन्होंने कहा कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। आज किसान की हर चीज़, यानी कि कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हो गई, जुताई महंगी हो गई, बुआई महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, ढलाई महंगी हो गई, नलाई महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, लेकिन किसान के यहाँ पैदा होने वाली चीज़ कोई भी सरकार ने महंगी नहीं की है। तो यकीनी तौर से किसान तो डंडा लेके खड़ा इन लोगों के पीछे, और ये किसान विरोधी सरकार है, और समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा किसानों के हित का काम किया है, और पूरा देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान समाजवादी पार्टी की मदद करेगा। आखिरी सवाल ये है सर, कुछ लोग नाराज दिखाई दिए हैं, क्या उस नाराजगी का असर चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, परिवार जब बड़ा होता है तो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ होता है, और जो भी लोग हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आस्था रखने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लड़ाई आज नाराजगी की नहीं है, बल्कि एक तानाशाही सरकार को हटाने की है, और उनका भी वही मकसद है। तो वक्ता नाराज़गी परिवार और घर में, भाई बहनों में भी हो जाती है, हम इस नाराज़गी को निश्चित तौर पर, मुझे पूरा विश्वास है ये दूर होगी, और सारे लोग मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खदेड़ा करने का काम करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।